साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की, ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लूटा देने की, ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लूटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद होगा, जब पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा, ऐसा अवसर किसी देश के पास बार बार नहीं आता। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। और स्थायी विकास के मूल में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है, और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों को, क्योंकि उन्होंने भी बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है। कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था, फिशरीज से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला, और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। देर से ही सही, भारत के पास
अब यह अवसर आया है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उपयोग देश की पूंजी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण पर खर्च होनी चाहिए। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है एक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है, वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए, आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे।